दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आज डिज़ाइन किया है मैंने, और साथ साथ इसका जो पोर्च है वो भी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। और आपको बारंदा टाइप का भी डिज़ाइन मिलता है। पूरा प्रॉपर तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। और डिज़ाइन की बात करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहर क्षेत्र में जहाँ पर भी रहते हो, तो आप इस घर को एक बार अगर डिज़ाइन कराएंगे तो आपको लगेगा कि फ्रंट का जो एलिवेशन है, सामने का जो डिज़ाइन है, वो आपने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कराया है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर आपके सामने। इसका 3D प्लान पूरा एलिवरेट करेंगे। साथ साथ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक किया और शेयर नहीं किया है, जरूर कर दें। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस मॉडल हाउस प्लान को, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल से वीडियो मिलते रहते हैं। आप घर जब भी बनवाएं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें, जिससे आपको इसका आइडिया मिल सके और अपने घर को एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा डिज़ाइन दे सके। यहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ नए नए डिज़ाइन के, नए नए मॉडल्स के। तो जब भी आप घर बनाए तो एक बार यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करें। तो जो आज का मॉडल होने वाला है, जो आज का प्लान होने वाला है, जो आज का फ्रंट एलिवेशन होने वाला, बहुत ही खूबसूरत होगा। तो सबसे पहले अगर जूम करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये जूम करके सबसे पहले आपको दो पिलर मिलते हैं, उसी में पूरा ये छज्जा टिका हुआ है। उसके बाद आपको ये पोर्च और सामने का डोर आपका ये है। दोनों साइड यहाँ पर बेडरूम है, इसलिए दोनों साइड आपका मैंने विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए। आगे देखिएगा, ये छज्जा टाइप का भी है। अभी मैं पूरा इसको एविलेट करके दिखाऊंगा, पूरा आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर हम साइड की बात करें तो साइड से क्लोज्ड है, आप देख पा रहे होंगे, पीछे से भी क्लोज है, केवल ये फ्रंट से ही आपका ओपन है। और मैंने चारों तरफ ये देखिएगा जो एक बॉर्डर सा है वो भी क्रिएट कर रखा, दो पिलर पर पूरा मकान टिका हुआ है। तो चलो इसका ग्राउंड फ्लोर हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने क्या क्रिएट किया है, कैसा मॉडल है, मैं आपको डिफाइन करूँगा। सबसे पहले देखिए, ये पिलर आपके दो बने हुए हैं जिस पर आपका छज्जा टिका हुआ है, जिसका जी पोर्च का डिजाइन है। और दोनों साइड देखिएगा आप, इधर भी आपका ये बारंदा टाइप का देखने को मिल रहा है, इधर भी बारंदा टाइप को देखने को मिल रहा है। बीच में मेन डोर है, दोनों तरफ विंडो है। डोर से जैसे आप एंट्री करेंगे तो आप अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ देखिएगा, यहाँ पर बेडरूम थे जो मैंने बनाया है। ये बीच में बड़ा सा गैलरी टाइप का है, 12 फीट का। आप इसे एज अ डाइनिंग रूम के तरीके भी यूज कर सकते हैं, या एज अ गेस्ट भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ सोफा डालकर बेहतरीन सा इसका। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपका बड़ा सा किचन मैंने क्रिएट किया है। मैंने ज़्यादा यहाँ पर घुसपुस चीज़ें नहीं बनाई हैं, ज़्यादा कंजेस्टेड चीज़ें नहीं बनाई हैं। तो बड़ा सा किचन है, उसके जस्ट पीछे की अगर हम बात करें, इस कॉर्नर पर आपका लेट एंड बाथ कंबाइंड है। इसके बाद अगर हम बात करें, इधर से आपकी स्टेयर्स ऊपर चली गई हैं, मैंने एक साइड ही स्टेयर्स बनाई हैं। और ये पूरा आपका हॉल बनता है, पूरा डाइनिंग हॉल एक बड़ा सा एरिया कवर्ड करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर एक बेडरूम और क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर दो बेडरूम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूरे एरिया को एक बड़ा सा हॉल में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर अगर आप बनवाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जगह की शॉर्टेज होती है। तो आप ग्राउंड फ्लोर पर एक बेहतरीन सा मॉडल बनवाएं। तो ग्राउंड फ्लोर पर मैंने सिर्फ दो बेडरूम क्रिएट किया। जब फर्स्ट फ्लोर पर जाइएगा तो एक बेडरूम और बढ़ा लीजिएगा। तो बड़ा सा किचन आपका है जो एज अ बेडरूम ही लग रहा होगा आपको, या आप ओपन किचन यहाँ सेट कर लें, उसे बेडरूम में कन्वर्ट कर लें। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है क्या आप चाहते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर था ओवरऑल। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं बात करूँ, जूम करके दिखाता हूँ मैक्सिमम, तो विंडोज़ का डिज़ाइन, डोर का डिज़ाइन, आपका घर का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल सा, लो बजट। और फ्रंट की बात करें तो आपको बेहतरीन और खूबसूरत डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। मैंने कुछ यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, फ्लावर्स वगैरह, फूल जो आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन से डिज़ाइन के लिए। तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट, और तो ये देखिएगा इसके लास्ट फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर जिसे बोल सकते हैं। यहाँ इसको बनाने में थोड़ी सावधानी आप रखें, मैं बता देता हूँ। ये पिलर 8 फिट के हैं, इसके बाद 2 फिट का ये, और देखिए जो बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है ऊपर, ग्रिल का डिज़ाइन है, उसी को मैंने एज अ छज्जा यहाँ पर बना रखा है 2 फिट। और तो ओवरऑल 10 फिट पर छत पड़ा है। ये जो आप पिंक टाइप का कलर देख रहे हैं, पिंक या जो भी कलर है, ये इससे कलर के ऊपर से आपका छत बना हुआ है। ये आपका पूरा ग्रिल में मैंने इस्तेमाल किया, ग्रिल के बाद एक ये लगभग आपका वॉल बना है, इसके बाद ग्रिल बनाया है। तो कुछ रेलिंग जो बनी है वो आपकी दीवार मतलब ईंटों की बनी हुई है, इसके बाद उसमें ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपका घर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मैंने वाइट कलर, थोड़े से टाइल्स और कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया है, और आपको एक बेहतरीन सा घर आपके सामने दिया, फ्रंट एलिवेशन बेहतरीन से दिया।
तो मॉडल अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को कमेंट करके ज़रूर बताया करें, हमें मोटिवेट किया करें, और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं आप। वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दें, कमेंट नहीं कर पा रहे, समय नहीं है तो लाइक किया करें और चैनल से जुड़ जाएं। आप घर बनवाएं, जब भी घर बनवाएं, आज मैं नहीं कहता हूँ, तो आपको एक बेहतरीन सा मॉडल मिलेगा। आप जो भी मैं वीडियो लाता रहता हूँ, एक यूनिक वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मॉल हाउस प्लान को, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स।